दोस्तों, महात्मा गांधी जी चाहते थे भारत में, स्वतंत्र भारत में राम राज्य की स्थापना हो, और इस राम राज्य की जो नींव है वो ग्राम स्वराज रखे। इस प्रकार का ग्राम या इस प्रकार का गांव जो खुद की जरूरतों को खुद ही पूरा कर सके, यानी गांवों को सक्षम बनाना, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, ग्राम को या गांव को स्वच्छ रखना, ग्राम स्वराज स्थापित करना, जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना और इन जनप्रतिनिधियों को शक्ति प्रदान करना, यानी वो शक्ति जो संघीय सरकार के पास है, वो शक्ति जो राज्यों की सरकारों के पास है, यानी वो शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ऐसे विभिन्न सूचियों में जो विषय है, इन विषयों के अंतर्गत जो शक्तियां है, इनमें से कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और संघ से गांव के स्तर पर जनप्रतिनिधियों को योजनाएं बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, कुछ थोड़ा बहुत टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करने में कुछ शक्तियां दी जाए, ताकि गांव एक सक्षम रूप से खड़ा हो जाए। ये महात्मा गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज की जो संकल्पना है, इस संकल्पना को आजादी के बाद मूर्त रूप देने हेतु संविधान में संशोधन किए गए 1992-93 में। जो 73 एवं 74वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत पंचायती राजों, पंचायती राज संस्थाओं का और जो नगर पालिकाएं हैं इनका गठन किया गया, या नगर निकाय हम जिसे कहते हैं उनका गठन किया गया, शहरी सरकार। इसके पहले भारत में राजस्थान राज्य के मध्य में स्थित नागौर, इस जगह पर जो अब जिला है, यहां भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। धीरे धीरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पंचायतों को कुछ धन की व्यवस्था भी की गई थी, किंतु पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा हासिल नहीं था, और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु पीवी नरसिंहा राव सरकार ने 1993 में संविधान में संशोधन किया, और इन संवैधानिक संशोधनों द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया, जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं गांव के स्तर पर, ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनका गठन किया गया। इनमें प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया रखी गई, और उस हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 में कुछ प्रावधान जोड़े गए, और इनमें ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी भी स्थापना की गई, जिसकी जिम्मेदारी इन पंचायतों के चुनाव करवाना था। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की गई, और राज्य वित्त आयोग जो राज्य एवं पंचायती राज संस्थाएं इनके बीच वित्त का वितरण का फॉर्मूला जो है वो विकसित कर रहा है। इस प्रकार से इन पंचायती राज संस्थाओं को कुछ आर्थिक स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। तो पंचायती राज संस्थाओं के तहत
सिर्फ राजनीतिक विकेंद्रीकरण ही नहीं बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण भी साध्य किया गया। कुछ ऐसे विषय जैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को 29 प्रकार के विभिन्न विषय जो है वो हस्तांतरित किए गए। इन पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न राज्यों में थोड़ा सा अंतर है, जैसे मेघालय में द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, बाकी प्रमुख राज्यों में जो है त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं। इनमें राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, यहाँ पर 22 विषय ऐसे हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं, जिन पर पंचायती राज संस्थाएं अपने हिसाब से कार्य करती है। इसी वर्ष 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी सरकारों की भी स्थापना की गई और आप कह सकते हैं शहरी सरकारों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको ज्ञात होगा कि 1881 में लॉर्ड रिपन साहब ने मद्रास म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की थी। मद्रास जो कि दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु की राजधानी क्षेत्र जिसको हम आज चेन्नई कहते हैं, यहाँ पर भारत की पहली पंचायती राज या आप कह सकते हो जो म्युनिसिपैलिटी जो शहरी सरकार है उसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में शहरी सरकार जनसंख्या के अनुसार शहरों में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद। नगर निगम सबसे बड़ा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, 10 लाख से ज्यादा हो, थोड़े बहुत क्राइटेरियाज राज्यों में अलग अलग है, मुख्यतः 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र। उसके बाद नगर परिषद 5 से 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, और नगर पालिका जहां 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम जनसंख्या है, ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का की स्थापना की गई और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कुल मिला के इस 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची वो जोड़ी गई, जैसे 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जैसे संविधान में जोड़ी गई थी, उसी प्रकार से 74वीं संविधान संशोधन से 12वीं जो आखिरी अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। शहरी सरकारों को या आप कह सकते हो इन नगर निकायों को 18 ऐसे विषय हस्तांतरित किए गए हैं जिन पर वो अपने हिसाब से कानून तो नहीं कहूँगा बट योजनाएं बना सकते हैं, कार्यक्रम बना सकते हैं, जिससे शहरों में स्वच्छता स्थापित हो, जिससे जो शहरों की जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में या जो बिजली पानी की व्यवस्था है, ऐसे विभिन्न विषयों पर जो है वो शहरी सरकार जो है अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। और इन शहरी सरकारों को या जो नगरीय निकाय है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी वो 8 अनुसूचियाँ जो है वो 12 तक पहुँच गई है। और जैसे हमने पहले देखा कि जो मूल संविधान था उसमें कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे और आज ये बढ़ के 448 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उसी प्रकार से जो अनुसूचियों की जो संख्या है वो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो मैं आर संतोष, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप ज़रूर इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोरल हाई रहे। धन्यवाद।